मंगलमय मंगल करं वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अर्हन्तादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी ताप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी पूजो मैं सतत केवल ज्ञान पानी पूजो मैं सतत केवल ज्ञान पानी। बोली भगवान महावीर स्वामी की दस लक्षण महापर्व की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये जरूरी है कि हमारी प्रवृत्ति समीचीन होना चाहिए। हमारा जीवन अनुशासित और आत्मनियंत्रित होना चाहिए। हमारी प्रवृत्ति समीचीन तब होती है जबकि हमारा दृष्टिकोण समीचीन होता है। यदि आत्मविकास की दृष्टि है तो प्रवृत्ति समीचीन होने में देर नहीं लगेगी, और यदि संसार में भोगवादी दृष्टि है तो प्रवृत्ति कितनी भी अच्छी हो जाए लेकिन वो समीचीन नहीं कहलाएगी। इसलिए प्रवृत्ति की समीचीनता के लिए दृष्टि की समीचीनता भी आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला ही अपनी प्रवृत्ति को समीचीन बना सकता है। आज हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कितना अनुशासन, और वो भी आत्मानुशासन अपने जीवन में अपना पा रहे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। अधिकांश लोगों का जीवन लापरवाही में व्यतीत होता है या कि दूसरे को अनुशासित करने में व्यतीत होता है। सबकी एक कोशिश होती है कि वह अपने आसपास के परिवेश को बहुत अनुशासित करे। वैसे ऐसा करना बुरा नहीं है, लेकिन ये तब बुरा हो जाता है जब व्यक्ति स्वयं अनुशासित ना हो और औरों पर अनुशासन लादे। तब ऐसा अनुशासन स्वयं के जीवन का उत्थान नहीं कर पाता और न ही दूसरे के जीवन के उत्थान में कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने आप को पहले संयमित, नियंत्रित और अनुशासित कर लेता है, वो व्यक्ति ही दूसरे के लिए अपने जीवन से अनुशासन की शिक्षा देने के योग्य है। हमें ये आदत बदलनी चाहिए कि हम जहां एक और दूसरे से अनुशासित जीवन की अपेक्षा रखते हैं, वहीं एक और हम अपने जीवन को बहुत लापरवाही में जीते हैं। एक व्यक्ति ने नशा कर लिया और वो जो अपने घर लौटा तो उसने अपने घर में दरवाजा खोलने के लिए, ताला खोलने के लिए जब उसमें चाबी लगाई तो नशे में होने की वजह से वो चाबी ठीक से नहीं लगी और यहां वहां खिसक जाती थी। एक व्यक्ति वहीं से निकला, उसने देखा कि ये तो इससे बन नहीं रहा, तो उसने कहा, सुनो तुम्हारा हाथ कप रहा है,
चाबी मुझे दो, मैं खोल देता हूं ताला। तो मालूम उसमें क्या जवाब दिया कि ताला तो मैं ही खोलूंगा, चाबी तो मैं अपनी किसी के हाथ में नहीं देता। अगर तुम्हें संभाल नहीं है तो ये मकान हिल रहा है, जरा उसको संभाल लो, मैं ठीक से चाबी लगा दूंगा। आया समझ में? मैं तो अनुशासित होना चाहता हूं लेकिन सारा संसार अनुशासित हो जाए उसको संभाल लो, मैं समझ जाऊ। यहां से हम अपने अनुशासन की शुरुआत करते हैं और यही गलत शुरुआत है। हमें शुरुआत करनी चाहिए अनुशासन की अपने जीवन से। अगर हमें नियंत्रित करना है तो अपने आप को हम नियंत्रित करें और अपने आप को हम संभालें। उसके लिए ठीक ऐसे समझे अपन कि जैसे हम अपने गंतव्य तक जाने के लिए रथ में बैठे हैं और उस रथ में घोड़े हमने लगा रखे हैं, तो घोड़े तो अपने हिसाब से चलेंगे और हम उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहें तो जरूरी क्या चीज है, उनकी वलगाएं हमारे हाथ में हो, तो फिर घोड़े हमारे हिसाब से चलेंगे। हमें अपने रथ का सारथ खुद करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से कि हम अपने गंतव्य तक ठीक ठीक पहुंच सके। वो रथ कौन सा है? वो मेरा शरीर ही है। वो घोड़े कौन से हैं? वो मेरे इंद्रिय के पांच घोड़े हैं। और बलगाएं किसके हाथ में होनी चाहिए? बलगाएं उसमें बैठे हुए रथी के हाथ में होनी चाहिए। रथी स्वयं सारथी बन जाए, वो जो चेतना मेरी है वही उन पांच इंद्री की बलगाओं को अपने हाथ में ले ले, तब फिर मेरा जीवन अपने आप ही अनुशासित, संयमित और नियंत्रित हो जाए। हम सब जानते हैं कि हमारी अपनी पांच इंद्रियां और हमारा अपना मन जब तक विवेकपूर्ण क्रियाओं में संलग्न नहीं होगा, तब तक ये हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमारे ही हित में कारण बनेगी। अगर ये विवेक पूर्वक हम इनका उपयोग करें तो इन इंद्रिय और मन के द्वारा हम अपने जीवन का उत्थान भी कर सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने सबसे पहले लिखा है कि जो अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रित कर लेता है या उनका सदुपयोग करता है वही संयमित है। वद समिति पालनाय दंडचायेन इंद्रिय संयमेन। वद समितियों का पालन करना, मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति का नियमन करना और इंद्रियों को संयमित बनाना, ये है संयम धर्म। शुरुआत कहां से होगी? व्रत समिति के पालन से नहीं होगी। इंद्रियों का संयमन, मन वचन काय की क्रियाओं अशुभ प्रवृत्ति से बचना, तब जाकर के व्रत नियमों का ठीक पालन हो सकेगा। वाई में व्रत नियमों का पालन ले लेने वाला भी अगर अपनी अशुभ प्रवृत्ति और इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाएगा तो उसके व्रत नियम भी उसके जीवन का उत्थान करने में कारण नहीं बनेंगे। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हम बाह्य प्रवृत्ति को संभाल लेते हैं लेकिन हमारे अंतरंग में जो वृत्ति है वो अगर नहीं संभली है तो वो संयमित जीवन नहीं कहलाएगा। इसलिए शुरुआत में अपने पांचों इंद्रियों को संयमित करना और अपनी प्रवृत्ति को नियमित करना, मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति से बचना, तब जाकर के हमारे जीवन में व्रत और नियम और संयम जो कि हमारा उत्थान करने वाला है वो आए। और इंद्रियों को संयमित कौन करेगा? जो विवेकवान होगा। विवेकवान कौन होगा? जो वैराग्यवान होगा। सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। जिसे विवेक है और जिसके साथ वैराग्य है वो व्यक्ति ही अपनी दृष्टि की समीचीनता के द्वारा अपनी प्रवृत्ति को समीचीन बना लेगा। मार्ग बिल्कुल सीधा सा है लेकिन हम लोगों को आदत है बाहर से बदलने की और भीतर ज्यों के त्यों रह जाने की।
और इसी का दुष्परिणाम यह है कि बाहर से व्यक्ति जितना सीधा साधा अनुशासित मालूम पड़ता है, उसके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे न उसका उत्थान होता है, न उससे प्रेरणा लेने वाले का उत्थान होता है। सबसे पहले अपने इंद्री की बलगाएं अपने हाथ में हो, हम उनका सदुपयोग करें। हम सब जानते हैं, कभी बैठे चर्चा करने तो एक एक इंद्री के विषयों में आसक्त होने से किस किस का अहित हुआ है हम सब बता सकेंगे। एक इंद्री स्पर्शन इंद्री में आसक्त हाथी अपने बंधन के लिए उपाय खुद कर लेता है, ये सब जानते हैं। रसना इंद्री के वशीभूत होकर के कांटे में अपना मुंह फंसा लेती है मछली, ये सब जानते हैं। सुगंध के लोलुपी भौरा कमल के फूल में बंद होकर के अपना प्राण दे देता है तीसरी इंद्री के लिए, ये सब जानते हैं। और पतंगा रीझ जाता है, आशक्त हो जाता है ज्योति पर और अपने प्राण उसी में निशावर कर देता है। और हिरण कर्ण इंद्री के वशीभूत होकर के और शिकारी के तीर का निशान बन जाता है संगीत के माध्यम से। सब जानते हैं, व्याख्या करवानी हो तो सब कर देंगे कि पांचों इंद्रियों के एक एक इंद्री के विषयों में किस तरह से हम अपने संसार में अपने पतन का उपाय अपने हाथ से करते हैं। और जबकि हम पांचों इंद्रियों के सुबह से शाम तक विषयों की पूर्ति में ही लगे रहते हैं, हमारे जीवन में जरा भी अनुशासित अनुशासन नहीं, हमारा अपना कोई सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं है। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, क्यों खाना, क्या करना क्या नहीं करना, ये कहीं कोई डिसिप्लिन नहीं। टेलीविजन में जो दिखा दिया वो खा लिया, टेलीविजन में जो दिखा दिया वो पहन लिया, ऐसा नहीं। जहां जैसा भी हम देखते हैं बस एक जिसको भेड़ चाल कहें लापरवाही में और जीवन व्यतीत करते, हमारे अपने जीवन का कोई सिद्धांत हमने नहीं बनाया कि हम ऐसा या ऐसा अपने जीवन को जिएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन को कोई एक नियम नहीं बना पाता वो व्यक्ति अपने जीवन को लापरवाही में जीता है और उसी का नाम असह्यम है। हम आज संयम धर्म अपनाना चाहें तो एक ही चीज है कि मैं स्वयं तय करूंगा कि मेरे अपने जीवन को मुझे कैसे जीना है, मेरा जीवन अपने और दूसरे के लिए उपकारी हो, ये इतना ही संयम मेरे जीवन में आ जावे तो बहुत आसानी से मैं अपने जीवन का उत्थान कर सकता। एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, मैं कल शाम को पढ़ रहा था, याद आ गया, मैंने कहा कल सुना दूंगा, वैसे सबने सुना होगा लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा अपनी ही कही गई चीजें रिवाइज करने में थोड़ा सा हंसने में भी मजा आता है, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि प्रवचन हुए कुछ मजे नहीं आया, पंडित जी भी शाम को ऐसे बुलाए हैं वो भी धर्म धर्म की बातें सुनाते हैं, वो तो ये कहो कि दो तीन दिन से और थोड़े से शाम को इंटरटेन करने के लिए थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर कुछ चलने लगा है, ऐसा ही समझना कि मुझे नहीं मालूम। इस बार तो पर्यूषण बड़े सूने सूने और उदास से गुजर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। देखो तो अपना, सोच तो देखो, हम चाहते क्या है, हम अपने जीवन का उत्थान चाहते हैं या कि सिर्फ अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं जिस किसी तरह से। नहीं भैया, ये जीवन जिस किसी तरह से अपना वक्त व्यतीत करने के लिए नहीं मिला बल्कि अपने वक्त को सार्थक करने के लिए मिला, और वक्त की सार्थकता अपने और दूसरे के उपकार के कार्यों में है। वक्त की सार्थकता इसमें नहीं है कि उसे जाया किया जाए, उसे व्यर्थ बर्बाद किया जाए, व्यर्थ के कामों में। मैं पहले भी आपसे कह चुका कि हाउडी और डाउजी और ये सब दुनिया भर की चीजें जो टेलीविजन दिखा रहा है उससे धर्म का और वीतरागता का कोई संबंध नहीं है, न फैंसी ड्रेस से जीवन से धर्म का कोई संबंध है। लेकिन फिर भी मैं क्या कहूं, थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है। पर्यूषण में मैंने सोचा था कि कम से कम ये सब चीजें करने की जो आदत पड़ गई है वो बदल जाएगी,
थोड़ा सा संयम हमारे जीवन में आएगा। इन 10 दिनों में भी संयम नहीं आया, बल्कि 355 दिन जो चीजें नहीं करते हैं अभी हम 10 दिनों में करें, तो फिर क्या मतलब होगा इन 10 दिनों का जो कि विशिष्ट माने जाते हैं, जिसमें कि 365 दिन भी मंदिर नहीं जाने वाला इन दिनों में कोशिश करता है कि मैं मंदिर जाऊंगा, जिनमें भगवान के चरणों में बैठूंगा। थोड़ा सा अपने अपने आयोजनों को, थोड़ा सा अपनी प्रवृत्ति को बाहर से दिखावे के लिए सही, थोड़ा तो संयमित करना चाहिए। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूंगा। कल भजन के नाम पर, राजगी भजन के नाम पर क्या सुनाया गया है, मैं तो अपना पढ़ने में लगा रहा कि अब क्या बार बार कहना, कैसा लगता है जबकि वो सब याद आ जाता है जो फिल्मों में चलता है और वही थोड़े से शब्द बदल करके भजन का रूप ले लेता है। बताइए, अगर फिल्म में भी वो गीत बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे ढंग से फिल्माया गया हो और जिससे कि हमें संदेश मिलता हो कि इतनी शक्ति हमें देना चाहता, तो फिर भी एक बात ठीक है। लेकिन जिसमें और सांसारिकता का ही पोषण किया गया हो उस तर्ज पर और हम यहाँ पर मंगल गान करें, तो क्या मंगल होगा? मेरे ख्याल से तो मंगल किसी का नहीं होगा। करते हैं लोग, जबकि उज्जैन के अंदर वो आए थे, मुझे उनका दादा फाल का नाम फासे है, एकदम याद नहीं आ रहा है। गांधी जी के बहुत अच्छे भक्त हैं वो, और वो इस बात के लिए आए थे, इस संगोष्ठी में आए थे कि देखें कि हमारा युवा किस संस्कृति का समर्थन कर रहा है और हमारा युवा किस तरफ जा रहा है। और जैसे ही उस सभा में मंगलाचरण के रूप में एक फिल्मी तर्ज पर और गीत गाया गया, तो खड़े होकर के उन्होंने कहा कि अब संगोष्ठी के आगे के सत्र स्थगित किए जाते हैं। मुझे मालूम पड़ गया कि हमारा युवा अब संस्कृति की तरफ जा रहा है, वो फिल्मी तर्ज पर ही अब धर्म के गीत ही गाने लगा है। इतने से बात कर उन्होंने और वहां से वो मंच छोड़ दिया था कि हम जिस काम के लिए आए थे उसको मालूम पड़ गया मुझे कि कहां जा रहे हैं हम, किस दिशा में जा रहे हैं। क्या इससे हमें कोई शिक्षा लेनी चाहिए, प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? हमारा इतना भी डिसिप्लिन नहीं हमारे अपने जीवन का, हमारे अपने धर्म सभाओं का? फिर हम धर्म कर पाएंगे क्या? धर्म हमारे जीवन में आएगा क्या? हमें विचार करना चाहिए, बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, मेरे कहने से नहीं, अपने स्वयं के वजूद को ध्यान में रख करके। अगर आपके अंदर कोई जमीर है, आपके अंदर कोई वजूद है, आपकी अपनी कोई अस्मिता है, ये कह रहा हूं आपसे, आपका अपना कोई विवेक है, आपकी अपनी कोई कहना चाहिए जन्म लेने की सार्थकता है, ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, तो शायद अपने जीवन को एक बार इन सब चीजों में अनुशासित करने के लिए हमें, बहुत बड़ी चीज नहीं कह रहा हूं कि कोई आप बहुत बड़े बड़े व्रत नियमों का पालन करें, अपने जीवन का एक डिसिप्लिन होना चाहिए, बस सिर्फ इतना भी कर लें तो भी पर्याप्त है। ये छोटी सी चीजें हैं जो बढ़कर के बड़ी हो जाती हैं और जो हमें गलत संदेश देती है। आने वाली पीढ़ी को कौन सा संदेश देंगे हम इन सब चीजों से? और दे रहे हैं इन 5-10 सालों में जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नामों पर जो फूहड़ प्रदर्शन हो रहा है, वो बिल्कुल हमारे आने वाली संस्कृति को नष्ट करने का कारण बनेगा, ये अभी से कह रहा हूं। और हजारों रुपया इसमें बर्बाद होता है समाज का। वो तो इस बार सौभाग्य मेरा कि मेरी बात पर जरा सा विचार करके और ये सजीव झांकियां और अपार धन राशि का अपव्यय जो कि लाइटिंग में होता है, और लाइटिंग अकेला नहीं, जिसमें कि इतनी अनंत जीव राशि उत्पन्न होकर नष्ट होती है कि निकलने वाला जानता है वहां से, उस लाइट के नीचे से निकलने वाला कि कितने जीव राशि उसके नीचे उत्पन्न हुई है और मर गई हमारे पैरों के नीचे। लेकिन फिर भी हम इन्हीं दिनों में लाइटिंग भी करना पसंद करेंगे। वो तो मान लिया उन्होंने कि लाइटिंग ज्यादा नहीं करेंगे, पर थोड़ी सी तो करेंगे। अब 10 बजे रात को जाते समय बंद करके जाएंगे, इतनी कृपा है बहुत। लेकिन वो भी मजबूरी में करना पड़ रहा है, अगले साल करेंगे तो मानूंगा फिर कि हाँ सचमुच आपने कोई संदेश ले लिया। अभी तो मेरी उपस्थिति है, इस वजह से लगता है कि नाराज ना हो जाए। नाराज काहे क्यों होऊंगा? आपसे नाराज होगा, अपना कल्याण करूंगा क्या? आप अपने ऊपर नाराज बोले तो आपका कल्याण हो जाएगा। अपने ऊपर नाराजी हो जाए कि मैं इस तरह से लापरवाही में जीवन जी रहा हूं, मैं अपने जीवन से असंतुष्ट हूं,
मैं अपने अपने आप से नाराज हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नाराजगी आप अपने ऊपर स्वयं करें तो ज्यादा कल्याण में कारण बनेंगे। मैं आपको वो उदाहरण सुना रहा था, बहुत प्रसिद्ध था, और बीच में ये बातें आ गई। कहां से आई? जरा मुझे भी संयम रखना चाहिए था, है ना, नहीं कहना चाहिए। ऐसा लग रहा होगा मैं आपको अनुशासित करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपने आप को हम सब अनुशासित करें। मैं कौन होता हूं आपके जीवन को अनुशासित करने वाला? हमें स्वयं थोड़ा सा विवेक जागृत करके, मैं तो सिर्फ विवेक जागृत करने के लिए आपको कुछ बातें कह रहा हूं, शायद आपका विवेक जागृत हो और आप स्वयं अपने जीवन को अनुशासित कर लें। अपने हाथ से अपने ऊपर रखा गया अंकुश जीवन को ऊंचा उठाता है, दूसरे के द्वारा रखा गया अंकुश पतन का कारण बनता है। ये गांधी जी ने बहुत पहले कहा था, और सचमुच इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हमें अपने जीवन को स्वयं अनुशासित करना चाहिए, दूसरे के कहने से नहीं। एक माली राजा के यहां पर फूलों की सेज सजाता था, रोज का काम था। राजा फूलों की सेज पर सोया करता था, माली का काम था कि वो सेज तैयार करे। और एक दिन ऐसा हुआ कि सारी सेज तैयार होने के बाद माली के मन में आया कि इस पर सोने में कैसा आनंद आता होगा, मैं तो सिर्फ सजाता हूं, सोते तो राजा साहब हैं, अभी तो राजा साहब आए नहीं है, मैं जरा इस पर लेट करके देख लूं। और सबको मालूम है कि लेट करके देखा था और लेटने पर नींद लग जाने पर राजा आ गया था, और इस अपराध के लिए उस माली को जब सजा के बतौर और कोड़े लगाए गए थे, तब हर कोड़े पर वो मुस्कुराता था और खिलखिला करके हंसता था, तब राजा शक्ति में आ गया था कि इतनी पीड़ा के बावजूद भी हंस रहा है, तो पूछा कि हंसते क्यों? बोले कुछ नहीं, मैं तो क्षण भर के लिए इस सेज पर सोया जिसकी सजा ये कोड़े और जो इस पर जिंदगी के सो से सो रहा होगा उसकी क्या दशा होगी, मैं इस बात पर हंस रहा। ये हमारे अपने जीवन में विवेक जागृत करने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। हम अपने पांचों इंद्री और मन का कब सदुपयोग करना सीखेंगे, कब हम उनको संयमित और नियमित करेंगे, अनुशासित करेंगे, ये हमें स्वयं विचार करना चाहिए। ये संयम हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है, ठीक ऐसे ही जैसे आचार्य महाराज ने सन 1985 में एक उदाहरण दिया था, वो मुझे हमेशा याद आता है। कनाश्रिता लता स्वयमेव लीयते विलीयते, बिना सहारे की जैसे लता या बेल गिर जाती है और ऊंचाई नहीं छू पाती है, ऐसे ही ये जीवन है। एक लकड़ी का सहारा अगर उस चढ़ती हुई बेल को दे दिया जाए और हल्का सा उसमें धागा बांध दिया जाए, तो फिर देखिएगा वो उस लकड़ी के सहारे और उस हल्के से धागे के बंधन के सहारे नीचे न गिर के धीरे धीरे ऊपर ही चढ़ती है। ठीक ऐसे ही श्रद्धा का सहारा और व्रत नियम का हल्का सा बंधन, जो कि प्रारंभ में बंधन जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन वो हमारे लिए जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बनता है। इसलिए भीरु नका संयम धरा आचार्य चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी का ये वाक्य था कि इसलिए कभी डरो मत, संयम धारण करो, श्रद्धा सहारा बनेगी, वो हमारी दृष्टि को समीचीन बनाएगी, और ये संयम का हल्का सा बंधन हमारी प्रवृत्ति को समीचीन बनाएगा, और जिसकी दृष्टि के साथ साथ प्रवृत्ति समीचीन हो जाए उसका जीवन तो बहुत ऊंचा उठता है। जिस बिना नहीं जिन राज सीझो सीझे तू रुलो जग कीच में, इसके बिना तो जिनेंद्र भगवान भी भगवान नहीं बने। हम हमारी अपनी क्या दिशा, इस संयम के द्वारा ही जिनेंद्र भगवान भी जिनेंद्र भगवान बने हैं। विनोबा ने लिखा कि ह्यूमन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड और गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू ह्यूमन। हमारे अंदर जो असंयम है, जो हमारे अंदर अनियंत्रित इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वे ही हमें पतन के लिए कारण बनती हैं। अगर मनुष्य में से
वो असंयम निकाल दिया जाए तो मनुष्य अपने आप में भगवान बनने की सामर्थ्य रखता है, वो भगवान बन सकता है, वो भगवान का दर्शन कर सकता है, वो भगवान की निकटता प्राप्त कर सकता है। लेकिन बिना संयम के ये संभव नहीं है, बिना आत्मनियंत्रण के ये संभव नहीं है। अपने इन असंयम के संस्कारों को तोड़ने के लिए हमें उपाय करना ही चाहिए। सही संयम हमारे खोटे संस्कारों को तोड़ने में कारण बनता है, वो हमारे जीवन को परिमार्जित करता है, वो हमारे भीतर जो भी बेतरतीबी है, उर्दू का शब्द है, जो भी हमारे भीतर गड़बड़ है उस सब को व्यवस्थित करता है, उस सब को अनुशासित करता है। बाह्य में भी हम अगर व्रत और नियमों का पालन करते हैं तो वो व्रत नियम हमारे अंतरंग के खोटे संस्कारों को परिमार्जित करते हैं। अब किस क्षण हमारे अपने भीतर के संस्कार जोर मारे तो हमारे वर्तमान की प्रवृत्ति को और अव्यवस्थित कर दें, इसके पहले कि हमारे भीतर बैठे हुए खोटे संस्कार हमारे जीवन को अव्यवस्थित करें, हमें अपने जीवन में कोई ना कोई नियम ग्रहण कर लेना चाहिए, किसी ना किसी तरह का अपने जीवन के लिए एक संयम व्रत ग्रहण कर भी देना चाहिए। उसके लिए चाहिए संकल्प की शक्ति, वो भी बढ़ती है। संयम धारण करने वाले के आत्मविश्वास और जिसको विल पावर कहते हैं इच्छा शक्ति, वो बढ़ जाती है। आज दो ही चीजों की कमी है, सब कहते पाए जाते हैं कि इच्छा शक्ति हमारी कम है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनता, हमारा विल पावर कम हो रहा है। कुछ बताइएगा कारण क्या है? हमारे इंद्रिय और मन पर हमारा संयम ही नहीं है तो हमारी अपनी इच्छा शक्ति कैसे जागृत होगी, हमारा अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? सुबह से शाम तक जो खाना है, जो करना है, जो पहनना है, जैसे चलना है, जैसे रहना है, जो मन में आता है वो हम करते चले जाते हैं, ना परिवार में परिवार जनों का कोई अनुशासन है, ना स्कूल में शिक्षक का कोई अनुशासन है, ना धर्म के स्थान पर धर्म का कोई अनुशासन शेष रहा। अब तो ऐसी स्थिति में कितना बड़ा दायित्व है कि हम अपने को स्वयं अनुशासित कर ले, कोई नहीं है यहां पर हमारे जीवन के लिए अनुशासित करने की कहने वाला, कोई कहेगा भी तुम्हें बुरा मालूम पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम अपने जीवन को स्वयं अनुशासित कर ले, हम अपने इंद्रिय और मन को खुद संभाल लें, हम अपनी प्रवृत्ति को खुद संभाल लें। अगर हम संभालने के लिए प्रवृत्ति व्रत नियम अंगीकार कर लेते हैं बाह्य में तो वो भी हमें सहयोगी बनेंगे। उसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है भर्तृहरि का। जब वो साधु बन गए थे भर्तृहरि, पहले तो उन्होंने श्रृंगार के शतक लिखे, फिर बाद में उन्हीं ने वैराग्य शतक भी लिखा है मुनि बनने के बाद। और जब वे एक दिन मुनि बने और जंगल में ध्यानस्थ थे, अचानक उन्होंने घोड़ों के आने की आवाज सुनी तो आंख उनकी सहसा खुल गई और देखा तो सामने दोनों दिशाओं से दो घुड़सवार आकर के और खड़े हो गए। किस बात से खड़े हुए ये जानने के लिए दृष्टि सामने पड़ी तो सामने एक चमकदार हीरा पड़ा हुआ था। एक क्षण को मन में आया कि कितना बेशकीमती हीरा है, क्योंकि भर्तृहरि स्वयं ऐसे हीरों के संचय करने वाले बहुत बड़े राजा थे। ये हीरा तो मेरे खजाने में होता तो बहुत बेशकीमती होता। संयम धारण करने के बाद भी ऐसा विचार मन में आया क्षण भर को, लेकिन अगले क्षण क्या देखते हैं कि दोनों घुड़सवारों की तलवारें निकली और एक दूसरे से युद्ध करते हुए एक दूसरे को समाप्त कर दिया। किस बात से? सिर्फ इतनी सी बात से कि हीरे पर नजर मेरी पहले पड़ी है। दूसरा कहता हीरे पर नजर मेरी पहले पड़ी इसलिए हीरा मेरा है। दोनों उसे अपना कहते कहते और प्राणांत हो गया। मुस्कुरा दिया भर्तृहरि ने कि अगर मैं आज संयमित नहीं होता तो मेरा भी हाथ बढ़ गया होता उठाने के लिए तो मेरी भी यही दुर्दशा होती। ये काम करता है मेरा व्रत नियम का संकल्प, मेरे अंदर की प्रवृत्ति अगर
जरा भी चूक जाती है, जरा भी उसमें अनुशासनहीनता आती है, तो बाहर से ग्रहण किए गए व्रत नियम और मुझे अनुशासित कर देते हैं। इसलिए जो लोग ये कहते पाए जाते हैं कि मैं तो कोई नियम नियम नहीं लेता, मैं तो कोई सौगंध वगंध नहीं लेता, ले जो लोग धर्मात्मा है वो ले, ये सौगंध और नियम का संकल्प नहीं कर पाना ये अपनी आंतरिक कमजोरी का प्रतीक है, ये आत्मविश्वास की कमी का सूचक है। जो व्यक्ति इन व्रत और नियमों को अंगीकार करता है वो अपने आत्मबल को बढ़ाता है, और जिसका आत्मबल बढ़ा है वो ही इसको प्राप्त कर पाता है। इसलिए ये सावधानी रखनी चाहिए, अपने इंद्रिय और मन का सदुपयोग करें, उसको संयमित बनाएं, और साथ में व्रत नियम इन सबको भी अपने जीवन में जिससे जितना बने वाही में ही सही, ताकि हम अंतरंग को भी संयमित कर सकें। दृष्टि हमारी यही होनी चाहिए कि हम अपने अंतरंग को भी इन व्रत नियमों के द्वारा संयमित बना सकें। ऐसा ना हो कि वाही में हम बहुत संयमित हो जाएं, थोड़ी सी बाहर से एक आसना कर लिया या थोड़ा सा उपवास कर लिया या कि और कोई थोड़े से नियम ग्रहण कर लिए और अपने को बहुत बड़ा समझ लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मत करो, रोज करना, लेकिन अपने को इतने ही में संतुष्ट मत कर लेना, मुझे इससे भी आगे बढ़ना है, अभी तो मैंने इतना सा कर पाया है, मुझे तो वास्तव में ये 365 दिन करना चाहिए था, मैंने तो कुल 10 दिनों में अभ्यास ही किया है, कितना थोड़ा सा है मेरे जीवन जो कि सार्थक हुआ है, मुझे तो ये प्रवृत्ति रोज ही रखनी चाहिए। जब मैं 10 दिन के लिए अपनी लोलुपता को जीत सकता हूँ तो ये संदेश मुझे इन 10 दिनों में ले लेना चाहिए कि मैं चाहूं तो 355 दिन को भी ऐसा ही व्यवस्थित और अनुशासित बना सकता हूं। मेरे अंदर है वो सामर्थ्य, अपनी उस सामर्थ्य को प्रकट करने का अवसर है ये। वाही में हम एक दिन दो दिन के लिए, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि 10 दिन के बाद और हम उतने ही असंयम में चले जाएं जितना कि हमने इन 10 दिनों में अपने को संयमित बनाया था। अक्सर होता ये भी है कि हम 10 दिन के लिए जितना अपने जीवन को रेगुलेट करते हैं, संयमित बना लेते हैं, 11वें दम हम उतना ही मर्यादा विहीन हो जाते हैं, हम अपनी सारी मर्यादाओं को एक तरफ रख देते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर हम सचमुच अनुशासित हुए हैं तो पूरे जीवन के लिए ये अनुशासित हमें अपने जीवन में होना ही चाहिए। मैं सोचता हूं कि मैंने संयम पर जो कुछ भी आवश्यक था वो आपसे कहा, कहना तो आवश्यक नहीं है, वैसे हर व्यक्ति को अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं ही समझना चाहिए और अपने जीवन को स्वयं अनुशासित कर लेना चाहिए। किसी के कहने से कितने दिन अनुशासन आएगा, जब आत्मानुशासन स्वयं अपने जीवन में आएगा तभी हमारा कल्याण हो सकेगा। मैं भावना बाता हूँ कि हम सब अपने जीवन को दुष्प्रवृत्तियों से बचा करके शुभ प्रवृत्तियों में लगाए और अपने इंद्रिय और मन का सदुपयोग करें, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाकर अपने जीवन को आत्मानुशासित बनाएं और अपना उत्थान करें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।